लेकिन आज आपको दो काम एक साथ करने हैं, और वो ये कि एक तो आउट नहीं होना है, बॉल खेलनी भी है, और साथ साथ में सवाल का जवाब भी देना है। ये जो सामने ऑडियंस बैठी है, अगर आपकी कोई शॉट इस तरफ चली गई तो आप लोगों को मिलेंगे 5,000 रुपए, और वो देंगे भी ये खुद ही आपको। और हम पहले कैच करना है, शॉटें सारी उधर ही जाएंगी। ठीक है भाई, हम आपको पहले ही बता दे, 3 ऑप्शन ये देंगे, 1 ऑप्शन हमारा है, लेकिन वो जवाब नहीं है, सिर्फ ऑप्शन है। ठीक है तो भाई, पहला सवाल, इनमें से किसके साथ ड्यूएट गाएंगे, चाहत फतेह अली खान, ताहिर शाह या फिर मतीरा? चाहत फतेह अली खान के साथ। अरे हमारा ऑप्शन भी तो था। क्या तुम्हारा क्या था? उमर अकमल। आई एम सो सॉरी। नेक्स्ट वीडियो में अपने अलावा इनमें से किसको मेल मॉडल नहीं लेंगे, HS5, हाजिम बंगवार या फिर उस्मान खालिद बट या फिर उमर अकमल? एक मिनट, पहले इस लड़की का मुद्दा हल करें। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? महक के लिए 5,000 रुपए आपकी टीम देके जाएगी यहाँ से, याद। इनमें से किसके साथ डुएट गाएंगे, ये तो हो गया। नेक्स्ट वीडियो में अपने अलावा इनमें से किसको मेल मॉडल नहीं लेंगे, HS5, हाजिम बंगवार, उस्मान खालिद बट या उमर अकमल? या उमर अकमल। जब सवाल मुश्किल होगा तो बॉल उधर जाएगा। जवाब देना पड़ेगा, किसको नहीं लेंगे? मॉडल नहीं लूंगा वीडियो में। नहीं, अपने अलावा HS5, हाजिम बंगवार या फिर उस्मान खालिद बट कौन? जवाब जानना चाहती है, बताइए। जानना चाहती है ऑडियंस का कहती है। नहीं नहीं, आप बताएंगे, आप बताएंगे। HSY probably, HSY को नहीं लेंगे। अगर मैंने LBW, मेरे से ज्यादा लाइमलाइट ले जाएंगे ना, ज्यादा ले जाएंगे, ऐसे ही है। इनमें से एक काम छोड़ना पड़े तो कौन सा छोड़ेंगे, डायरेक्शन, म्यूजिक कंपोजिंग या फिर सॉन्ग राइटिंग? टेंशन, डायरेक्शन छोड़ देंगे। चलो भाई, डायरेक्शन मान रहे हैं, एक आदमी कम से कम डायरेक्शन छोड़, ठीक है। गाने गाते हुए आवाज में दर्द लाने के लिए क्या करते हैं, दरवाजे में उंगली करते हैं, पुरानी मोहब्बत को याद करते हैं या अब्बू की डांट याद करते हैं, या उस्मान खालिद भाई? अरे चुप कर भाई। आई थिंक पुरानी मोहब्बत हमेशा याद आ जाती, पुरानी मोहब्बत। वो कौन सा गाना है जो आप गाते तो ज्यादा है लेकिन हिट नहीं हुआ? ओके, ग्रूव मेरा, कहानी सुनो या फिर पसूड़ी? तीसरा कौन सा था भाई? तीसरा है, ग्रूव मेरा, कहानी सुनो या फिर पसूड़ी। कौन सा गाना अगर आप गाते तो ज्यादा हिट होता? कोई भी नहीं यार, कोई भी नहीं, तीनों बहुत है। 10 को मेरी जरूरत थी नहीं, कभी भी नहीं थी। नहीं यार, ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने की है, बहुत सारी तालियां बजाई, बहुत मॉडल्स हो रहे हैं भाई। फैंस को सेल्फी से मना करने के लिए क्या करेंगे, पैसे मांग लेंगे, ओ शॉर्ट्स, पैसे मांग लेंगे, झाड़ देंगे या फिर प्यारी लड़कियों के साथ ही सेल्फी लेता हूं ये कहेंगे? सवाल क्या था, सॉरी भाई। किसी को सेल्फी के लिए मना अगर करना हो तो क्या बहाना करेंगे भाई, पैसे मांग लेंगे या फिर झाड़ देंगे या फिर बोलेंगे मैं सिर्फ प्यारी लड़की से ही सेल्फी लेता हूँ? आई थिंक इग्नोर कर दूंगा, झाड़ूंगा नहीं, झाड़ेंगे नहीं, जाने देंगे, प्यारी लड़कियों वाली बात नहीं करेंगे, नहीं नहीं वो नहीं दूंगा, दिल में सोचेंगे भी नहीं ऐसा? नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये भी नहीं है मामला, ओके। अगर मूड नहीं है तो किसी को नहीं मिलेगी, तो किसी को नहीं मिलेगी। इनमें से किसको गाना छोड़ देना चाहिए, वाह वाह वाह, जवाद अहमद, अबरारुल हक या फिर कोमल रिजवी? बिलाल सईद। डिफेंसिव शॉट पे नहीं जाना है सर, T20 मैच चल रहा है। अच्छा, आई थिंक मतलब गाना नहीं छोड़ना चाहिए, बट सिंस अबरार भाई इतने सारे बड़े काम कर रहे हैं, गाना बहुत छोटी चीज है उनके सामने, आप उनके सामने छोड़ा, अबरार भाई आपको छोड़ देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सिंगर ना होते तो क्या होते, बैंकर होते, फैशन मॉडल होते या फिर एक्टर होते? एक्टर एनी डे। अब आपको पक्का भी तो करना है ना? अब पक्का भी तो करना है, बिल्कुल। वो कौन सा गाना है जो आप गुनगुनाते हैं किसी और का? ओके, ये आप खुद बताएंगे। जो मैं गुनगुनाता हूँ? जो आप गुनगुनाते हैं किसी और का? आजकल आई थिंक हम सभी वो गुनगुना रहे हैं, है तमन्ना तुम्हें अपनी दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरे सदके उतारे
तेरी ले ले बलाएं, क्या बात है, है तमन्ना तुझे अपनी दुल्हन बनाए। ये गाना कम है,